आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को हरपुर बुधड़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। दो देसी तमंचा, एक मिस कारतूस, एक कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 10,130 रुपए नकद किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी बुनियादी सुविधाओं की सौगात। मंगलवार को 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। बाढ़ से निजात के लिए लगेगी बचाव से जुड़ी परियोजनाओं की झड़ी। सीएम योगी करेंगे 181 विकास कार्यों का लोकार्पण व 27 का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जुलाई को हड़ावा फाटक पर हुई वृद्ध महिला की हत्या में वांछित एक नशेड़ी युवक को कैंट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्राप्त 680 रुपए किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ग्यारह जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कैंप लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का दिया निर्देश। कहा, जिन पेंशन धारकों की हो चुकी है मृत्यु, अपात्र व्यक्तियों के नाम की जाए कटौती, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। कमजोर बूथों को जीतने का मंत्र देंगे सीएम योगी। मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह ने ब्लॉक तहसील पुलिस के जन सूचना अधिकारियों के साथ आरटीआई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक। कहा, कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियमानुसार कर दिया जाए निस्तारित। अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, विद्युत व जल वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। सीएम योगी की पहल पर हुआ आस्था और परंपरा का श्रृंगार। 6 करोड़ की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का 14 जुलाई को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। कैन पुलिस ने एक चैन स्नेचर अविनाश जायसवाल उर्फ विशाल को किया गिरफ्तार। 5.5 ग्राम नशीला स्मैक पाउडर, एक पीली धातु की चेन, मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जनपद की सरकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 100 अंशधारक कृषक सदस्यों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद के गन्ना किसानों को अंश का प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमओ की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी बढ़ रही हैं समस्याएं, अपनाना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार का मंत्र। और रामगढ़ ताल में जीडीए के द्वारा लगाया जा रहा है कमल के फूल का पौधा। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कमल का पौधा लगाने से खिलेगा कमल, बढ़ाएगा रामगढ़ ताल की सुंदरता।